बोल। हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस, अभी जाऊंगा मैं बाजार करने, ये मकर संक्रांति क्या। तो अभी कल मैं नारियल लेके आया था, देखो। तो और बाकी सब बाजार करना है, तो आप लोग को लेके दिखाऊंगा हम लोग का इधर का बाजार। गाइस, बाजार में क्या कितना भीड़ है और क्या क्या मतलब दिखाऊंगा। तो वीडियो टू कंटिन्यू देखे रहे। तो गाइस, ये इधर में मेरा बीबी को बाय बोलने आया हूँ। कहाँ है रही? ने देखो, ए बीबी है, अंडा आमलेट बना रहा है। गाइस तो देखो, उल्टा नहीं आ रहा है। ओए दे, दीदी को बुला रहा है। देखो आज तो उल्टा ना जावे, कुदी कुदी मैं उल्टा बदे, मैं उल्टा हूंगा। देखो ए हे, तू ऑमलेट बनाना सीखो अच्छा से। ये आई ना, कौन उल्टा भी, कौन उल्टा भी, जल्दी दे उठ ए दे, एकदम दिमाग के ना के कुछ देख ली कितना ले कोली ना रखी कर ली तो खत्म नहीं तेरी। देखो गाइस, देखो आज का ऑमलेट हंसता है उल्टा भाग दिवा मोल भाग। स्पेशल कोनी गाइस, देखो बन गया, बन के रेडी हो गया। देखो मेरा मिसेस को पूरा अच्छा से बनाना आता है। असली साइड दिखाऊंगा कोनी बनाया है। और मैं अभी जा रहा हूँ, हाँ काम करो, पूरा व्यस्त है मेरा मिसेस। बाय 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 बाय, अभी जाऊंगा। चलो साइकिल लेस खुल गया गाइस, अभी जाएंगे बाजार। इस मैंने साइकिल लेकर निकल गया और जा रहा हूँ, और जाते जाते क्या क्या मिलेगा रास्ता में आप लोगों को दिखाते जाऊँगा। मकर संक्रांति कल है। ये है गांव हम लोग का गाइस, देखो ये है हम लोग का गांव का रास्ता। देखो कितना ख़राब है, देखो कितना गड्ढा है, कितना गड्ढा, देखो गड्ढा, चल बहुत गड्ढा। एक भेला घर दिखाई दिया, भेलाघर तो इतना छोटा मोटा बनाया है। देखो छोटा छोटा बच्चा सब गया है। तो पता है गाइस, कल मकर संक्रांति है ना, मकर संक्रांति है, इसीलिए सब लोग सुअर उवर काट के बेच रहा है गाइस भोज खाने के लिए। पहुँच गया ब्रिज, पहुँच गया गाइस ब्रिज, दिखाऊंगा आप लोगों को हम लोग का यहाँ का ब्रिज। हम लोग का घर से करीब 4-5 किलोमीटर में है। ये है ब्रिज, ये ब्रिज बन के ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 2 साल जैसे हुआ है। पहले उधर में बम्बू का बांस का था गाइस, जब ये ब्रिज नहीं था ना तब बहुत तकलीफ होता था आदमी को आने जाने के लिए, क्योंकि बांस का था और साल में एक बार भांगता रहा, बीच में नाव में पार होना पड़ता था। तो इसलिए ब्रिज बना के बहुत सुविधा हो गया, नहीं तो बीच बीच में नाव में पार होना पड़ता था, क्योंकि पूरा नहीं टिकता था बांस का दलंग, पूरा 1 साल नहीं टिकता था। 6 महीना में मतलब दलंग सब 6 महीना में भाग जाता था, मतलब वो मतलब पानी बाढ़ जाता ना, बाढ़ आने से सब चला जाता था। तो सब लोग पैदल आना जाना और मतलब नाव में बहुत तकलीफ होता था गाइस। तो अभी मैं ब्रिज पार हो गया, तो अभी मैं बाजार पहुँचने वाला हूँ गाइस, तो देखते रहिए। तो अभी मैं पहुँचूँगा, यह बाजार लगता है गाइस, देवबार का बाजार लगता है। और पता है 20 টাকা পেগেট ন, হ্যাঁ 10টা আছে এনে, এটা কাঢ়াই যেতে হুমাম কেটা হুমা পারি এরাটা দিবি, এটা এটা ডাকন হই যায়, খাইসাম খাইসাম ইও কেটা, একটাই দিও, শুন একটাই জ্যাং পিঠা বলতা হে, লে লিয়া আবি ওর কি কা লেনা হ দেখাউগা। চলো ইদার মে দেখো গাইস, এটা মিঠা মিঠা আলু বলতা হে, আর ইদার মে গুড় হে মুড়ি 80 রুপে কিলো। एक टू खाने के लिए लेगा तो कितना लेगा? एक टू हाँ, 10 रुपया देने से एक टू बड़ा तो ना बड़ा तो 15 रुपया आ जाएगा, 200 ग्राम होगा। कितना लगे गाइस? ये हमें बम्बू बिक रहा है,
और ये ठू यहाँ में घर में जाके यहाँ में चावल घुसा के मतलब ये ठू खाना पकाएगा, मतलब चावल बनेगा इससे, इसीलिए बेच रहा है। देखो ना, एक केजी चावल घुसा के आप लोग खाना पकाने सकेंगे यहाँ। देखो तो फिलहाल मैं तो नहीं लूँगा, हम लोग के उधर में बहुत बांस है, इसे वीडियो बन। और इधर सब जगह देखो गाइस, बाजार का व्यू। अब जाके देखूंगा। देखो गाइस, ये डांग आलू बोलता है हम लोग का इधर में, आसाम में मतलब। कितना किलो इसका? 60 रुपया इसका दाम। ये तो देखो किलो हम लोग का इधर में ऐसा तो बिक्री होता है बाजार में, बिहू में मतलब। मुढ़ी उड़ी, मुढ़ी चावल उल। और इधर में एक तो पार्टनर बैठाया है बिहू का बाजार। देखो गाइस, दे दे सब फ्री है। फ्री है मेरे लिए तो फ्री है होगा ना, आपके लिए सब फ्री है। हाँ, क्या के लिए आप? मैं तो ये मिर्चा खरीदा और एक तो जैंग पीठा ना क्या बोलता है, एक लिया है। चीरा मुड़ी है सब? हाँ हाँ, चीरा मुड़ी। ये चीरा, चीरा कितने? चीरा 80 आपके लिए। मेरे लिए 80। और गुड़ भी आपके लिए 80। मतलब बिक रहा है, मैं मकर संक्रांति है ना, ऐसे तो रोज बिदाई बिकता है कि नहीं? रोज नहीं पता, बस बिहू का बाजार, बिहू का बाजार में ऐसे ये भी बैठा है तो ठीक। अच्छा है क्या, 1 रुपया इनकम होगा कि नहीं? हाँ, लोगों को दिखा दिया हम लोग का इधर का बाजार कितना क्या बिक रहा है। ऐ कहाँ तो अभी घर जाना पड़ेगा। बड़ी जिंदगी एक संगे उधर को लाज भी लगे ला मुझे।